बड़ी खबर आपको बता दें जो कि राजधानी जयपुर से आ रही है। 52 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, इस वक्त की बड़ी खबर। कार्मिक विभाग ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। टी रविकांत प्रमुख शासन सचिव उद्योग विभाग, राजन विशाल जयपुर जिला कलेक्टर होंगे अब। भवानी सिंह देथा शासन सचिव उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, नारायण लाल मीणा शासन सचिव संस्कृत शिक्षा विभाग, आशुतोष पेडणेकर शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, डॉक्टर प्रतिभा शासन सचिव जल संसाधन विभाग। तो चलिए इस वक्त हमारे संवाददाता मनीष चतुर्वेदी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनीष, अगर बात करें तो एक बड़ा फेरबदल माना जा रहा है। जी अमित, आज ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो है बड़ा फेरबदल हुआ है। कार्मिक विभाग की तरफ से आदेश जारी किए गए, 52 आईएएस की यहाँ पे तबादला सूची जारी की गई, जिसके अंदर देखा जाए तो बहुत सारे जिला कलेक्टर हैं वो यहाँ पे बदले गए हैं। इसके साथ साथ संभागीय आयुक्त भी यहाँ पे बदले गए हैं। और बड़े जो सीनियर आईएएस की बात करें तो आईएएस जो टी रविकांत है उनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज उनकी जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही आईएएस आशुतोष पेडणेकर को सेक्रेटरी मेडिकल की जिम्मेदारी दी गई है। आईएएस अर्चना सिंह को एमडी रिको लगाया गया। इसके साथ साथ जयपुर के जो कलेक्टर थे अंतर सिंह नेहरा, अब उनको आयुक्त जो श्रम विभाग के अंदर आयुक्त की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही अब जयपुर के जिला कलेक्टर होंगे वो राजन विशाल होंगे, जो मुख्यमंत्री के विशेष सचिव थे अब वो जयपुर जिला कलेक्टर होंगे। और बहुत सारे जिला कलेक्टर्स यहाँ पे जो है चेंज कर दिए गए हैं। और मैं बात करूँ राजस्थान के अंदर तो जो बीकानेर जो कलेक्टर थे उनको यहाँ से हटा के बीकानेर कलेक्टर नमित मेहता थे उनको पाली लगा दिया गया है। साथ ही साथ अब बीकानेर जो कलेक्टर है भगवती प्रसाद कलाल होंगे और उदयपुर कलेक्टर ताराचंद मीणा होंगे और हरिमोहन मीणा इनको कोटा कलेक्टर लगाया गया है और नरेंद्र गुप्ता इनको बारा कलेक्टर लगाया गया है और रुक्मणी रियार इनको गंगानगर कलेक्टर लगाया गया है और सिद्धार्थ सियाग इनको चूरू कलेक्टर लगाया गया है, हिमांशु गुप्ता इनको जोधपुर कलेक्टर लगाया गया है और अक्षदीप को जो है अजमेर कलेक्टर लगाया गया है, आलोक रंजन भरतपुर कलेक्टर होंगे और अरविंद कुमार पोषवाब नागौर कलेक्टर होंगे और इसके साथ इंद्रजीत यादव जो आयुक्त होंगे जोधपुर विकास प्राधिकरण के। इस तरीके से जो 52 आईएएस की यहाँ पे तबादला सूची जारी की गई है, बड़ी लंबी सूची है। इसको यह भी माना जा सकता है क्योंकि सीएस जो निरंजन आर्य है उनका इसी महीने जो है रिटायरमेंट का जो उनका कार्य काम है और इसको देखते हुए पहले से माना जा रहा था कि एक बड़ी जो आईएएस की तबादला सूची है वो आ सकती है। इसके ऊपर एक्सरसाइज की जा रही थी और ये माना जा रहा था कि एक दो दिन में आईएएस की जो तबादला सूची आने वाली है। इस समय आज जो तबादला सूची की पूरी पूरी संभावना थी और आज जो निरंजन आर्य जो चेयर थे इनके जो रिटायरमेंट से पहले जो है ये तबादला सूची है ब्यूरोक्रेसी के अंदर बड़ा फेरबदल है वो देखने को यहाँ पे मिला है। और उसके साथ तीन सीनियर आईएएस थे उनको यहाँ पे अतिरिक्त जो है कार्यभार भी दिया गया है। 52 आईएएस के तबादला सूची के अलावा जो बात करें तो उसके अंदर तीन सीनियर आईएएस है। आखिर अरोड़ा है, इनको प्रमुख शासन सचिव सूचना एवं जनसंपर्क विभाग इसके यहाँ पे अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। नवीन महाजन है, इनको प्रबंध निदेशक के तौर पर राजस्थान राज्य बुनकर संघ लिमिटेड का अतिरिक्त कार्यभार यहाँ पे दिया गया है। साथ ही नरेश कुमार ठकराल जो है इनको भी अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। जी चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया मनीष आपका।